हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज जतन और इस वाले वीडियो में हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मल्टी थ्रेडिंग से हमारे के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि यार, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतने, और थ्रेड्स मेनली होते क्या हैं। ओके, तो मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि फोटोशॉप हुआ, एमएस वर्ड हुआ, या फिर हम पाईचार्म को ही ले सकते हैं। ओके, तो जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे प्रोसेस होते हैं, और जो प्रोसेस होते हैं उसे ही हम थ्रेड्स बोलते हैं। जो प्रोसेस, जो बैकएंड में भी प्रोसेस चलते रहते हैं और आपके सामने भी प्रोसेस चलते रहते हैं, लाइक जैसे कि आप कोई भी एमएस वर्ड में कुछ भी लिखते हो तो वो स्पेल चेक भी करता है, तो ये सब थ्रेड्स के कारण मुमकिन हो पाता है। ओके, तो इससे फिर एक चीज़ और निकल के आती है कि मल्टीटास्किंग आपने नाम सुना होगा। तो मान लीजिए कि पहले के कंप्यूटर जो होते थे वो मल्टीटास्किंग नहीं होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लाइक मैं अभी भी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पाईचार्म को ओपन किया हुआ है और बैकएंड में मेरा OPS वर्क कर रहा है, जो कि स्क्रीन को कैप्चर भी कर रहा है और साथ में मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो ये मल्टीटास्किंग होती है। लेकिन अभी CPU क्या होते हैं कि मल्टी कोर्स के होने लग गए, तो दैट्स वाई ये बहुत ही ईजी हो जाती है और ये टास्क परफॉर्म होते जाते हैं। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं कि हम अपनी मल्टी थ्रेडिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा, तो क्लास बना लेता हूँ मैं हेलो के नाम से, और यहाँ पर डेफिनेशन लाइक एक हम फंक्शन को बना देते हैं। फंक्शन हमारा रन, और रन के अंदर हम चलाते हैं फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। तो हम यहाँ पर 5 की रेंज दे रहे हैं कि हमें 5 टाइम लिखना है हेलो को। ओके, और यहाँ पर हम एक और क्लास बना लेते हैं, गुड मॉर्निंग, और सेम फंक्शन हम यहाँ पर भी और इसको भी हम 5 टाइम ही रन करते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट गुड मॉर्निंग। ओके, अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो T1 हो जाएगा। सबसे पहले हम हेलो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर हेलो में O की जगह 0 लिख दिया है, तो मैं इसे ओ कर देता हूँ। ओके, हेलो, एंड T2 में हम कर देते हैं गुड मॉर्निंग का ऑब्जेक्ट, और हम T1 कॉल कर लेते हैं रन, एंड T2 डॉट रन। ओके, और अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं, तो रन किया, एज यू कैन सी हमारे पास 5 टाइम हेलो आ रहा है, 5 टाइम गुड मॉर्निंग आ रहा है। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था, हमने अभी तक थ्रेडिंग का यूज़ नहीं किया है, तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम थ्रेडिंग का यूज़ करके कैसे इसे 1x1 ला सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तब ये दोनों मेरे फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो 1x1 हो, पहले एक बार हेलो प्रिंट हो, फिर गुड मॉर्निंग प्रिंट हो, फिर हेलो प्रिंट हो, फिर गुड मॉर्निंग प्रिंट हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम दोनों क्लासेस को थ्रेडिंग है उससे हम इनहेरिट कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थ्रेड, और यहाँ पर भी लिख देते हैं थ्रेड। लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पर तो एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो पैकेज है उसे इंपोर्ट नहीं किया। तो उससे के लिए हमें सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम पैकेज कौन सा इंपोर्ट करना है हमें, थ्रेडिंग का, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट, और हम यहाँ पर इसकी सारी क्लासेस को कर रहे हैं, तो इसलिए हम स्टार यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम रन करके देखते हैं इसे, तो रन किया, तो एज यू कैन सी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ पर थ्रेड का यूज किया है।
बिकॉज यहाँ पर दो थ्रेड इंटरनली स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इंटरनली स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ से रन को हटाना पड़ेगा और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टार्ट का, और हम सेकंड को भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट का यूज़ किया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मेथड तो रन है, तो आपने स्टार्ट का यूज़ कैसे किया है? तो एज यू कैन सी, तब आप किसी भी क्लास पे जाते हो, जैसे मैं यहाँ पर थ्रेड क्लास में गया हूँ, और थ्रेड क्लास में जाने के लिए यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो अल्ट का यूज़ कर सकते हो, और ये मैक यूज़ कर रहे हो तो आप कमांड यूज़ करके आप किसी भी क्लास में जा सकते हो। तो एज यू कैन सी, तब आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमारे पास रन फंक्शन पहले से ही है। यदि हम यहाँ पर रन फंक्शन को यूज़ नहीं करते तो ये थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं करती, और यहाँ पर स्टार्ट भी है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर इसे स्टार्ट कर दिया और अब हम इसे रन करते हैं। रन किया तो बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये कैसे? अभी तो हम बोल रहे थे कि हमने यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, इंटरनली भी हमने स्टार्ट का यूज़ कर लिया, और फिर भी सेम आउटपुट आ रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कंप्यूटर की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो हम ऐसा करते हैं इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो 500 कर दिया मैंने, और अब हम इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, फिर हेलो फिर गुड मॉर्निंग, तो ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पर थ्रेड तो वर्क कर रही है, लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसे वर्क नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले हेलो और फिर गुड मॉर्निंग और फिर हेलो फिर गुड मॉर्निंग, तो उसके लिए हमें इसे हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमें इसे थोड़े से स्लिप करना पड़ेगा थ्रेड को, तो ये वर्क करेगा। ओके, तो स्लिप करने के लिए हमें सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट कर लेते हैं हम स्लिप को। ओके, और अब हम यहाँ पर स्लिप और यहाँ पर डाल देते हैं 1। यहाँ पर हम 1 सेकंड का डिले दे रहे हैं, और अगेन स्लिप एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1-1 सेकंड का डिले दे दिया है, और अब हम रन करते हैं इसे। एज यू कैन सी कि हेलो गुड मॉर्निंग आ रहा है, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड मॉर्निंग और हेलो एक साथ प्रिंट कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज कि यहाँ पर दोनों के दोनों थ्रेड्स एक ही टाइम पे हिट कर रही होगी, तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इफ़ यदि हम यहाँ पर इसके अंदर भी हम स्लिप डाल देते हैं, और लेट मी थिंक कि हम यहाँ पर 0.5 सेकंड का टाइम दे देते हैं, और अब हम इसे रीरन करते हैं, तो ये हमारी प्रोग्राम सोल हो गई है। तो अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम को एंड करने के लिए बाय लिख देता हूँ, कि भाई हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर प्रोग्राम एंड हुआ है, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कम। ओके, और अब हम यहाँ पर वंस अगेन रन करते हैं, तो एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाय तो यहीं पर प्रिंट हो गया, हमें चाहिए था कि ये लास्ट में प्रिंट हो। तो दिस इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 थ्रेड चल रही है। सबसे फर्स्ट होती है मेन थ्रेड, फिर सेकंड हो गई हमने T1 के नाम से बनाई है, और थर्ड जो बनाई है वो T2 के नाम से। तो मेन थ्रेड क्या करती है कि वो T1 और T2 को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, और जैसे ही वो T1 T2 को एग्जीक्यूट करती है तो फिर उसे उसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर जो बाय है वो भी मेन थ्रेड के ही अंडर आता है। ओके, तो मेन थ्रेड के पास तब काम ख़त्म हो गया तो वो बाय को भी एग्जीक्यूट कर देती है। तो इसके लिए हमें, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जॉइन का यूज़ करना है। हमें थ्रेड को बताना है, मेन थ्रेड को बताना है कि भाई T1 T2 का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी तुम अपना बाकी काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जॉइन का, जॉइन एंड T2.join। अब हम रन करते हैं इसे, तो एज यू कैन सी नाउ हमारा आउटपुट जैसा हम चाहते थे वैसा आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे आप मल्टी थ्रेडिंग को समझ सकते हो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप तब फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने वाला है,
लाइक मुझे भी तब मैंने सब इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन तब जैसे जैसे आप इसके साथ काम करोगे तो इसके यूज्ड टू हो जाओगे, और ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसे हमें देखना है। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था, बेसिक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि थ्रेड ऐसा कुछ होता है, लेकिन आगे हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।